सभी लोग ऐसे याद रखिए, मैंने मेरे जिंदगी में 3 बार में जम्बू विजय महाराज साहब जी को सुरेल में मिला। काफ़ी अलग अलग जगह पे मैंने जो स्टडी किया है और आज विश्व भर में जैन अनुष्ठान के साथ 40 लाख लोग जुड़े हैं, ऐसे याद रखिए सभी लोग। और टेका छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग पालीताना के अंदर गुरुदेव 1.5 महीना, हमने पालीताना में ये सुना कि गुरुदेव ऐसे अमरा गुरुदेव की भक्ति करते थे, ऐसे अभिषेक लेते थे और कितना आनंद आता था। आनंद तो उन्होंने ही महसूस किया है, लेकिन आज हमारे बीच में आचार्य भगवान विद्यमान है। जो जो भी लोग 2 संकल्प करना है, स्वस्थता युक्त जैन शासन, आज चारों तरफ इतनी दवाइयाँ घर में आ चुकी है, आज चारों तरफ आर्थिक रूप से दिन प्रतिदिन लोग खलास हो रहे। डीप ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांस लेते रहिए। जिनको रियल में स्वस्थ होना है, बहुत समय बीत गया है पर गुरुदेव की आज्ञा से ही 3 से 4 मिनट में मैं कुछ अनुभव करना कराना चाहता हूँ। अभी भी कुछ लोगों ने टेका दिया है। जो लोग स्ट्रेट होना चाहते हैं, शुद्ध होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, और जिन भक्तांबर से 600 एविडेंस हमने गूगल के ऊपर डाले हैं, 3rd लेवल का कैंसर भी मिट सकता है, गुड रिलेशनशिप हो सकता है, तो कैसे होगा? हाथ ऐसे रखिए। क्या करते थे ऐसे जम्बू विजय महाराज साहब के, जिस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी, ना मोबाइल था, ना कुछ भी नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जापान, पेरिस, वर्ल्ड भर के लोग उनके पास खींचे चले आते थे। और आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि कितना भी बड़ा बंगला क्यों ना हो, वहाँ पर मैक्सिमम बंगलों में अशांति है। कमरे शायद बड़े हो जाएंगे, महल हो जाएंगे, लेकिन मन भयंकर अशांत है। तो उस वक्त ये मंत्र साधना, ये ओरा विज्ञान, ये गुरु के संग रहना, कितना हमने रातेज के अंदर, हमने बहुचरा जी में प्रैक्टिकल जो प्रयोग किया है। और जो जो लोग स्वस्थ होना चाहते हैं, जो जो लोग प्रसन्न होना चाहते हैं, गुरुदेव ने एक ऐसी विद्या तैयार की है। 1.5 महीने तक पालीताना में उपदान चलेगा, उसके अंदर कुछ स्पेशल साधकों के लिए ये आध्यात्मिक शिविर। आप चाहते हो कि हमारे गुड रिलेशनशिप हो, हम स्वस्थ बने, मगज से स्वस्थ बने, शरीर से तंदुरुस्त बने, जो दवाइयाँ आ चुकी है उसको भक्तांबर से आप फेंक दे। हाथ ऐसे रखिए, गहरी सांस सभी लोग ले लेंगे, कमर से डट्टार, आंखें बंद। अभी आपको 3 मिनट में दिव्य मंत्र की ऊर्जा का रियल अनुभूति इस गुरु कृपा से कैसे प्राप्त होता है, उसका कराने का एक विनम्र प्रयास। ढीचण के ऊपर हाथ रखना है, एकदम डीपली ब्रीथिंग, ऊंडा सांस, और हम 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। एकदम गहरी सांस लीजिए, अनुभव कीजिए कि आप साक्षात जम्बू विजय महाराज साहेब जी के इर्द गिर्द हो, और उनके भीतर की वो हवा, उनके भीतर की वो ऊर्जा को महसूस करते करते आपके 3.5 करोड़ रोमटे को आनंद के अंदर परिवर्तन कर रहे हो। आंखें बंद सभी की, ओंकार का नाद सभी लोग साथ में मिल करके बोलेंगे। ओ कुछ पल के लिए भीतर में खो जाइए, और गहरी सांस, नाभि तक सांस का स्पर्श हो, ऐसी डीप ब्रीथिंग। ओ तीसरी बार उंडा श्वास। ओ सभी का हाथ मस्तक के ऊपर। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको कराना चाहता हूं। जम्बू परिवार की स्थापना हो गई, 100 साल की हम तक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन रोज क्या करेंगे, कैसे हमें इस गुरुदेव की याद आएगी, और कैसे आप घर पे बैठे बैठे ऊर्जा को महसूस। हाथ यहां पर रखना है आपको, ये क्रिया रोज आपको 3 बार करना है, और आज बढ़िया से बढ़िया संकल्प करना है। रविवार है, सूर्य का वार है, धनतेरस, काली चौदस, नया साल आ रहा है, सारी नकारात्मक एनर्जी को निकाल करके आनंद आनंद आनंद, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और आज ऐसे अद्भुत गुरु हमें मिल गए। दोनों हाथ ऐसे मस्तक के ऊपर, देखो दायां हाथ नीचे रखना है, ऊपर राइट हैंड, और भक्तांबर के हम एक एक चरण को बोलते बोलते पूरे रोम रोम के अंदर जितनी भी अशुद्धियां है वो सारी निकालते हुए अनुभव कीजिए कि आज आपके भीतर के अंदर वो सदगुरु की दिव्य ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आपको पहली लाइन यहां पर बोलना है, भक्तामर प्रणत मोलि मणि प्रबाण। दूसरी लाइन गले के ऊपर, कंठ के ऊपर हाथ रखिए सभी लोग। मैं आज के बाद जो कुछ भी बोलूंगा
हर व्यक्ति को पसंद आए, मेरे कंठ के अंदर मिठास आ जाए। कंठे दारे ईजो सया मणुओ, कंठ के अंदर आज सदगुरु का वास, प्रभु का वास। तीसरी लाइन हृदय के ऊपर, छाती के ऊपर हाथ रखिए, रिलैक्स कर दीजिए। जो जो भी आपके भीतर के अंदर पुरानी बातें, किसी ने आपको अपमानित किया है, जो जो भी नड़ियाँ आपकी ब्लॉकेज हो गई है, उनको भी हैप्पी हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स बहुत सुनते हैं, लेकिन हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते कहाँ से हैं? तो कैसे, ये जितने भी लोग हैं ना, वो परम पवित्र और परम समर्पित व्यक्ति है कि जिन्होंने ना घड़ियाल के कांटे को देखा है, ओनली फॉर हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव बैठे हैं तब तक हमें हिलना नहीं है। हृदय को, उस भक्ति को, मैत्री को, भावना को, प्रार्थना से आप भर दीजिए। छाती के ऊपर हाथ उस वक्त, तीसरी लाइन और चौथी नंबर की लाइन खास करके नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर हाथ रखिए, जहां पर आपकी ड्यूटी है। पालीताणा की शिविर के अंदर आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर आचार्य भगवान हमारे महाविदेव विजय जी महाराज साहिब जी, यंगस्टर के लिए जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, हर माँ की कंप्लाइन है कि मेरा बेटा मोबाइल लेकर के बैठ गया है, तो उस वक्त जम्बू विजय महाराज साहिब ने कैसी एक व्यवहार, भक्तांबर लाइफ स्टाइल क्या बनाई थी, कैसे हम आनंद के साथ जिएंगे, सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है। तो पहले हाथ यहाँ पर रखिए, पहली लाइन आपको एवरीडे पहले गुरु भगवंत का आह्वान करते हुए कि मेरे ऊपर अनुराधार जम्बू विजय महाराज साहिब जी की कृपा बरस रही है, उस वक्त भक्तांबर की पहली लाइन, हाथ आपका रहेगा मस्तक के ऊपर, दूसरे में हाथ रहेगा गले के ऊपर, तीसरे में हाथ रहेगा हृदय के ऊपर, और चौथे अंदर जिसका पेट साफ है उनका सब कुछ साफ है। स्वस्थता, स्वस्थ जिनसासन, समृद्ध जिनसासन के लिए हाथ यहाँ पर रखिए, आँखें सबकी बंद। भक्तामर स्तोत्र की पहली गाथा सबको आती है। आज खूब 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 गुरुदेव को हम प्रणाम करते, वंदना करते, धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में पूज्यपाद गुरुदेव आप आए, आपका ज्ञान आया, आपकी जो पाठ परंपरा है वो आई है, और उनके द्वारा जम्बू परिवार के द्वारा सकल ब्रह्मांड के अंदर अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, और हम मैया अमर तपो। वो आनंद जो जम्बू विजय महाराज साहिब जी ने जिया है, अनुभूत किया है, हम भी वो दादा के पक्षाल को देखते हुए अनुभूत करें। हाथ ऐसे रखिए, सारे मसल से, सारे थोट से, सारे जो जकड़बन है वो धीरे 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 रिलैक्स हो रहे हैं। सभी को मेरे साथ में ये भक्तामर सूत्र की एक गाथा बोलना है और उसके बाद हम समापन करेंगे। सभी लोग साथ में मिलकर के बोलना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रबाण मुद्य सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगम, नाभि के ऊपर बनम बवजले, शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए दूसरी बार बराबर बुलंद आवाज के साथ में, मुद्रा के साथ में मेरे रोम रोम के अंदर प्रसन्नता बढ़ रही है। भक्तामर प्रणत कंठ के ऊपर मुद्योदकं दलिता सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगम युगाद वा, नाभि के ऊपर छिल्ली वक़्त भक्तामर प्रणत मौलिमा मुद्योदकं दलित पापत सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं यु वालंबनम। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। रोज सुबह में पूज्य आचार्य भगवान की फोटो के सामने खाली ये तीन प्रयोग करो, हजारों लोगों के अभ्यास करके हमने सबको ठीक किया है, और जो जो लोग पूर्णतः स्वस्थ होना चाहते, दवा से मुक्त होना चाहते, वो सारे लोग महाविदेव महाराज साहिब जी के पास नाम लिखा करके पालीताणा में 7 दिन की आवासीय शिविर, जिसके अंदर सारी व्यवस्था हम आप सिखाने का प्रयत्न करते हैं, उन सभी के अंदर आप सभी को हार्दिक आमंत्रण करते हैं। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। खूब खूब आभार।